राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम लंका विजय भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि राम वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण कर देते हैं। भयानक युद्ध होता है। एक एक करके रावण के सभी सैनिक मारे जाते हैं। और फिर इसी युद्ध में जब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद भी मारा जाता है तो रावण क्रोध में भर जाता है। अब सुनिए आगे की कहानी। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी, क्रोध से बिलबिलाता हुआ। लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिया, मार काट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंघ, यूपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुफकारते हुए हन कुचले सांप की तरह वो जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए। रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम, उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए ये देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वो बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे
छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने ये देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी, कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वो सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं। पलकें झुकना भूल गईं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया। घोड़े और रथ बदलने राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया।
पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वो रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका का विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वो अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था। शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। ओ बंधु, मित्र विभीषण, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मित्र, मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। प्रभु, हाँ। राम ने एक एक वानर का आभार माना। सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। हनुमान, प्रभु, ये संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। जैसी आज्ञा प्रभु। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। प्रभु, विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण
विभीषण के पास गए। उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित, समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, प्रभु, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। हनुमान, वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। सीते, तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति प्रभु, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है। उन्हें यहां लाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। सुंदर, सौम्य, शांत, उस सुंदरता में एक वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, जैमिनी कुमार, सुनील लोहिया और कीमती आनंद, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।